हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विभाजन सूत्र। ये सूत्र आपको क्लास 10th में मिलता है। आज हम इसे सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो विभाजन सूत्र सिद्ध करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें, ताकि मैं इस सूत्र को आज मैं आपको ऐसे सॉल्व करके यानी कि सिद्ध करूंगा कि आपको सूत्र A to Z पूरा याद हो जाएगा। तो चलिए हम अपने सूत्र विभाजन सिद्ध को सूत्र को सिद्ध करते हैं। तो विभाजन सूत्र, तो पहली बात, हमें विभाजन सूत्र सिद्ध करने से पहले हमें विभाजन का अर्थ जान लेना है। विभाजन का अर्थ होता है बांटना, ठीक है। इस सूत्र में यही कहा गया है कि इस सूत्र में, मतलब मैं आपको पहले ही बताता हूँ, यानी कि इस सूत्र में रेखाएं होंगी और इसमें एक बिंदु होगा जो इन रेखाओं को दो अलग अलग अनुपात में विभाजित करेगा, ठीक है। तो आइए हम अपने सूत्र को सिद्ध करते हैं। तो ये जो सूत्र है हमारा, ये आपके निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत आता है। और विभाजन सूत्र, जब भी आप विभाजन सूत्र को सिद्ध करेंगे तो मैं यहाँ पे आपको विभाजन सूत्र बताता हूँ कौन सा सूत्र सिद्ध करना है, अथवा हमें यही सूत्र सिद्ध करना है, P(x,y)=MO1x2+MO1 sorry M2x1 बटे M1 प्लस M2। यदि आपको अच्छे से दिखाई ना दे तो कृपया वीडियो का क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। फिर दूसरा, M1y2+M2y1 बटे M1 प्लस M2। ये जो आपका सूत्र है ये काफी बड़ा है, यानी कि इसे हम यदि भाषा बना के सिद्ध करते हैं तो ये जो सूत्र होगा ये लमसम 2 पेज में चला जाएगा। यदि इसे हम इसे शॉर्टकट सॉल्व करते हैं तब भी ये सूत्र जो है वो आपके 1.5 पेज के आसपास होगा। तो हम इस सूत्र को भाषा बना के सॉल्व करेंगे ताकि हमें कोई भी एग्जामिनर हमारे जो सूत्र सिद्ध किया गया है हमारे द्वारा वो चेक करे तो हमें फुल में फुल नंबर दे। यदि हम भाषा बना के नहीं सॉल्व करेंगे तो एग्जामिनर या तो आधा नंबर देगा या उससे कम भी नंबर दे सकता है। तो हम अपने सूत्र को भाषा बना के सिद्ध करेंगे। और हम एक बात जरूरी कि इस सूत्र को सिद्ध करने के लिए आपको कुछ तथ्य दिए होंगे और आपको कुछ तथ्य मानने होंगे। इसके लिए हम एक यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो हम यहाँ पे एक ग्राफ ड्रॉ कर देते हैं। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा क्या तथ्य दिया हुआ है। तो ये दिया हुआ है, उस बिंदु की निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो दिए गए दो बिंदु A(x1,y1)B(x2,y2) को मिलाने वाली रेखा को दिए हुए अनुपात M1 और M2 में व्यक्त करती है। यानी कि सिंपली सा बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमें इसी बिंदु को ज्ञात करना है और इसके इन मानों को ज्ञात करना है। जो रेखा AB, यानी कि मैंने यहाँ पे एक रेखा ले लिया, यहाँ पे A और एक B, ये जो है बिंदु वो ये है P, जो इन रेखा को M1 और M2 में विभाजित करती है। ये हमारा दिया हुआ है M1 और M2 में विभाजित करती है। और तब हमें P के निर्देशांक यानी कि X और Y को ज्ञात करना है। तो आप देखते हैं कि इसके लिए ये एक क्वेश्चन भी हो सकता है, यानी कि आपके प्रश्न में ये भी करके पूछ सकता है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो दिए गए बिंदु A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को M1 और M2 के अनुपात में व्यक्त कर सकते हैं। ये एक प्रश्न भी हो सकता है। तो चलिए हम फटाक से इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो हम किसी तल में मान लेते हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष, बड़ा बनाते हैं, हमें चित्र की आवश्यकता पड़ेगी, बड़ा बनाते हैं इसे। थोड़ा मेरा लाइन टेढ़ा हो रहा है, ये हमारा हो गया, हम इसको वाई बोलते हैं, इसको वाई डैश, इसको एक्स और इसको एक्स डैश, ठीक है। और यहाँ पे एक मूल बिंदु ओ मान लेते हैं। तो जो हमारे प्रश्न में दिया है, देखिए हमारे प्रश्न के अनुसार ही इस ग्राफ को ड्रॉ करना है, ठीक है। तो हमारे प्रश्न में दो बिंदु दिया हुआ है, ए व बी। तो हम ए यहाँ पे मान लेते हैं और बी यहाँ पे मान लेते हैं और इन दोनों को मिला देते हैं। हमारे प्रश्न में दिया है कि मिलाने वाली रेखा यानी कि ये रेखा जो मिला रही है, फिर
दिए हुए अनुपात M1 और M2 में विभाजित करती है, यानी कि जो हमारी ये बिंदु P है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसे हमने P माना है, यानी कि मैंने आपको पहले ही सूत्र लिख दिया है, ठीक है। तो जो ये बिंदु P है इसे M1 और M2 के अनुपात में विभाजित करती है, यानी कि ये A ये B, इसके निर्देशांक X1 यहाँ पे लिख देता हूँ इस साइड में, इसके इधर लिख देता हूँ X1, Y1, और इसके निर्देशांक X2, Y2 है, दिख नहीं रहा होगा आपको, ऊपर लिख देता हूँ X2, Y2। और जो ये बिंदु P है ये इनको M1 व M2 के रूप में विभाजित करती है। हम आपको इस सूत्र को इतने अच्छे से सिद्ध करा देंगे कि आपको एक ही बार सिद्ध कराए में आपको पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। अब हम जो है यहाँ पे माने हैं पहले उनको लिख लेंगे, ठीक है। तो लिख लेंगे माना 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 Y O Y डैश तथा X O X डैश। हम भाषा इसलिए बनाते हैं कि हम जो जो किए हैं वो एग्जामिनर या किसी अन्य दूसरा प्रश्न जो देखे उसको समझ में आ जाए, ठीक है। तो लिख लेंगे माना X डैश, माना X O X डैश तथा Y O Y डैश क्रमशः X अक्ष, Y अक्ष पहले है, Y O Y डैश इसलिए Y अक्ष, Y अक्ष व X अक्ष है। माना Y O Y डैश Y अक्ष, दूसरा X O X डैश Y अक्ष है। अब ले लेंगे जो एक दूसरे पर लंब है, जो कि एक दूसरे पर लंब है, यानी कि देख रहे हैं जो हमारी ये रेखा है ये वाई अक्ष, वो हमारे एक्स अक्ष पे ऐसे ऐसे लंब है, ठीक है, लंब है। अब यहाँ पर देखते हैं, अब ये हो गया और ओ ये हमारा मूल बिंदु है, तो लिख देंगे ओ मूल बिंदु है, ओ मूल बिंदु है कमा ओ मूल बिंदु है, ठीक है। अब ये हो गया, अब हम क्या देखते हैं कि हमारे जो इस जो दिया हुआ है ये कथन जो दिया हुआ है इसमें हम देखते हैं कि दो बिंदु दिया हुआ है ए बी, ठीक है। अब हम लिख लेंगे दो दिए हुए दो दिए गए बिंदु ए जिसके निर्देशांक X1, Y1 और तथा बी जिसके निर्देशांक X2, Y2 है। अब दो दिए हुए बिंदु ए जिसके निर्देशांक X1, Y1 और बी X2, Y2 है। अब ये हमारा हो गया, अब हम लिखेंगे ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड, यानी कि हमारे प्रश्न में कह रहा है कि उस रेखाखंड को बिंदु पी M1 और M2 के अनुपात में विभाजित करती है। तो लिखेंगे नीचे बिंदु ए B को मिलाने वाली रेखाखंड ए बी, बिंदु ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड ए बी है, यानी कि ये ए और ये बी हो गया, ए बी हो जाएगा, जब मिल जाएगा तो ए बी हो जाएगा, मिलाने वाली रेखाखंड ए बी को बिंदु
तो हम देखते हैं कि जो रेखाखंड ए बी है उसे बिंदु पी एम वन और एम टू के अनुपात में विभाजित कर रही है, अंत विभाजित कर रही है, को बिंदु पी एम वन अनुपात एम टू में अंत विभाजित करती है। ये हमारा हो गया फाइनली एक कि बिंदु ए बी को मिलाने वाली रेखाखंड ए बी को बिंदु पी एम वन और एम टू के अनुपात में विभाजित करती है। तो ये वीडियो गाइस थोड़ा लंबा होगा, 30 मिनट से ऊपर का होगा, ठीक है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ऐसे समझा दूंगा कि आपको पूरा वीडियो एक ही बार के देखने में याद हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं इसे प्रश्न को देख लीजिए, मैं इसे मिटाने वाला हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास उतना जगह नहीं है। तब तक के लिए मैं इसी को मिटा देता हूँ, इसी को, ये आप नोट कर लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। अब देखिए अंत विभाजित करती है अर्थात, यानी कि होगा हमारा ये अंत विभाजित करती है, तो अर्थात हमारा हो जाएगा एपी एपी बटे बीपी या पी बी लिखते हैं बराबर एम वन बटे एम टू, यानी कि वही बात हो गई कि ए और बी रेखाखंड को पी एम वन और एम टू के अनुपात में अंत विभाजित करती है, अर्थात लिख दिया एपी बटे बीपी यानी कि एम वन बटे एम टू। ये हो गया हमारा क्लियर। अब लिखेंगे, अब हम जानते हैं कि हमें सिद्ध करना है क्या, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी कि जो बिंदु ये पी है ए बी रेखाखंड को दो अनुपात एम वन और एम टू में विभाजित करती है, तो हमें इसका रेखाखंड सॉरी रेखाखंड नहीं इसके निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो इसके निर्देशांक हमें ज्ञात करने, तो लिखेंगे नीचे हमें पी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, हमें पी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। मैं एक बार ये लिख दिया हूं, ठीक है, क्योंकि मैंने उस बिंदु को पी माना, मैं लिखना ये भूल गया, जहां पे हमने लिखा था उसको पी रेखाखंड ए और बी में विभाजित करते, तो लिख लिया माना रेखा माना बिंदु पी उसे एम वन और एम टू में विभाजित करती है, ये लिख लीजिएगा आपकी माना बिंदु पी उसे एम वन और एम टू में विभाजित करती है, पी के आगे लिख लीजिएगा, मैं ये भूल गया, ठीक है। तो हम लिख देते हैं हमें पी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो नीचे लिखता हूं माना पी के निर्देशांक एक्स कमा वाई है। हमने पी के निर्देशांक को एक्स और वाई मान लिया, यानी कि ये हमारा ऊपर लिखता हूँ एक्स और ये वाई, पी के निर्देशांक एक्स और वाई है, ठीक है क्लियर। और देखिए तो पी के निर्देशांक एक्स और वाई है, तो ये जब ये हो गया तब हम अपने इसमें ग्राफ में अब पुश करेंगे, यानी कि ए से एक्स अक्ष पे लंब डाल देंगे, तो हम ए से एक्स अक्ष पे जो लंब डाले हैं इसको हम डी मान लेते हैं, ए डी मान लेते हैं, ए से एक्स अक्ष पे लंब डाला जिससे जो ए डी है, फिर पी से एक्स अक्ष पे लंब डालते हैं, तो हम इसको जब पी से एक्स अक्ष पे लंब डाल देते हैं तो इसके हम एफ मान लेते हैं, पी एफ आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप ए से लेके जेड तक क्या मान लेंगे, ठीक है। फिर हम बी से एक्स अक्ष पे लंब डालें, हम उसे बी ई मान लेते हैं, मैंने बताया कि ये आपके ऊपर निर्भर है, आप जो चाहें वो मान सकते हैं, तो मैं ये मिटा देता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा। अब देखिए अब हमने बिंदु से जिन जिन बिंदु से लंब डाले हैं एक्स अक्ष पे, अब हम उसे लिख लेंगे, तो लिख लेंगे माना माना ए से
एक्स अक्ष पर, तो हमने ए से एक्स अक्ष पर एडी लंब ढाला, ठीक है, ए से एक्स अक्ष पर एडी कमा, हमने और भी लंब डाले हैं तो हम लंब लास्ट में लिखेंगे, एडी कमा, पी से पीएफ, पी से एक्स अक्ष पर पीएफ लंब, पीएफ लंब लास्ट में लिखेंगे, पीएफ कमा, अब और बी से एक्स अक्ष पे बी लंब डाला, वह बी से एक्स अक्ष पर बी लंब डाला। तो मैंने आपको ये लिखवा दिया कि हमने कहाँ से क्या लंब डाला, ठीक है, अब ये क्लियर हो गया। अब आपका, आप जब भी अपने कॉपी को देखेंगे, सूत्र सिद्ध करना होगा जब भी, तो आप जान जाएंगे कि हमने कहाँ से किस पे लंब डाला है, ठीक है। अब देखिए, अब एक चित्र में और भी बात करनी है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, ए से पीएफ जो दिख रहे हैं ना, ए से पीएफ पे अब हम लंब डाल देंगे, यानी कि ये लंब डाल देंगे और हम इसे एम मान लेंगे, एम मान लेंगे, यहाँ पे हम एम मान लेंगे एम, और एक और लंब डालेंगे पी से बी और ई पे, तो हम इस बार हमने भी दो लंब डाला, एक ए से पीएफ पे एम डाला, फिर बी से जो बी ई है उस पे हमने बी से पीई लंब, सॉरी पीई तो हो चुका है, पी यहाँ पे हम एन मानते हैं, ई हो चुका है, हमने ई यहाँ पे मान लिया है, एन मानते हैं, पीएन लंब डाला। तो ये भी लिख लेंगे, पुनः हमने पुनः लंब डालने की प्रक्रिया की है, उसलिए पुनः पुनः ए से पीएफ पर एम व पी से बी पर पीएन लंब डाला। तो ये आपकी पूरी टोटल भाषाएं कंप्लीट हो चुकी है, मैंने आपको इतना सरल लिखवाया है कि आप जब भी कॉपी खोलेंगे और देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ये इतनी सरल भाषाएं हैं कि आप एक बार या एक बार देख ले तो आपको टोटली याद हो जाएगा, और यदि आप ऐसे भाषा बना के लिखते हैं तो एग्जामिनर जो होगा वो आपके पूरे में पूरे मार्क्स देगा, एक भी नंबर नहीं काटेगा, ठीक है। तो ये हमारी भाषाएं कंप्लीट हो चुकी, अब हमें आती है सूत्र सिद्ध करने की बारी, तो हम इसमें जो जो नहीं दिया है उसे निकालेंगे और अपने सूत्र को सिद्ध कर लेंगे। तो मैं इसे मिटा देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि मैं आपको ऐसे समझाऊंगा कि आपको ये पूरे सूत्र एक बार सिद्ध हो जाएंगे। आप तो देखते होंगे कि आप बहुत ही ऐसे, मतलब मैं कहना नहीं चाहता हूँ, बहुत ऐसे चैनल है जहाँ पे डायरेक्ट सिद्ध कर दिया होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सब सिद्ध कर दिए होंगे, सब नहीं, बहुत ही होंगे सिद्ध कर दिए होंगे, लेकिन यदि आप ऐसे सूत्र सिद्ध करेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, आपको सारे स्टेप बाय स्टेप सिद्ध करने पड़ते हैं। तो मैं ये आपको मिटा देता हूँ, और मैं इसे भी मिटा देता हूं, आप इससे इन सबको नोट कर लीजिएगा, जो जो मैंने चीज लिखवाई है उनको नोट कर लीजिएगा। अब हम यहां पे मानों को निकालेंगे, यानी कि जो जो मान नहीं दिए हुए हैं हम उनको ज्ञात कर लेंगे। तो लिखते हैं, जब ए के निर्देशांक, यानी कि इसके ए के निर्देशांक
एक्स वन कमा वाई वन, एक्स वन कमा वाई वन है तब, जब ए के निर्देशांक एक्स वन कमा वाई वन है तब। तो हम देखते हैं जब ए के निर्देशांक एक्स वन और वाई वन है तब ओडी यानी कि ये हमारा एक्स वन हो जाएगा, यहां से यहां तक की दूरी हमारी क्या होगी एक्स वन होगी, तो ओडी बराबर एक्स वन। बहुत से ऐसे विद्यार्थी होंगे जिन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था होगा कि ये एक्स वन कैसे होगा, तो मैं इसे अभी बता देता हूँ ये एक्स वन कैसे होगा। पहले हम अपने एडी को ज्ञात कर लें, तो हम यहाँ पे अब देखते हैं एडी, तो जो एडी होगा वो वाई वन हो जाएगा, और हम देखते हैं कि जो हमारा ये एडी है वो बराबर है किसके, एमएफ के। तो देखिए ये एक्स वन कैसे होगा, तो जब हम ग्राफ आप खींचे होंगे, ऐसी बात नहीं है, आप ग्राफ जब भी खींचे होंगे तो ऐसे ये एक्स अक्ष रहता है और ये वाई अक्ष रहता है। तो मान लीजिए आपको कहा जाता है कि दो कमा बिंदु दो और तीन का ग्राफ खींचें, ठीक है, तो यहाँ पे दिया होगा एक दो तीन, ऊपर भी दिया होगा एक दो तीन चार, आप मान लेते हैं ऐसा, ठीक है। तो पहले आप क्या करते हैं कि दो यानी कि इस पे दो देखते हैं, उसके बाद से आप तीन देखते हैं, और उसके बाद से आप ऐसे मिला देते हैं, ठीक है। तो ये आपके बिंदु दो और तीन को मान लेते हैं P है, आपने दर्शा दिया ग्राफ के माध्यम से दो और तीन को, ठीक है। इसी प्रकार हमारे दो के स्थान पे यहाँ पे P के स्थान पे A है, यहाँ पे एक्स वन है और यहाँ पे वाई वन है, यानी कि ये भुज है और ये हमारा वाई कोटि है। समझ में आ गया, आइए हम अपने आगे वाले मान को निकालते हैं, अच्छे से समझिएगा। फिर हम अपने आगे वाले मान को निकालते हैं, तो अब हम लिखेंगे जब बी के निर्देशांक एक्स टू कमा वाई टू कमा, जब बी के निर्देशांक एक्स टू कमा वाई टू है तब, जब बी के निर्देशांक एक्स टू कमा वाई टू है तब, अब आप हम देखते हैं कि जो ये ओ और ये ई है यानी ओ और ई से जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, ओ इज इक्वल टू एक्स टू, यानी कि जो ये है यहां से मूल बिंदु से और ई तक की दूरी हो जाएगी एक्स टू, मूल बिंदु से ई तक की दूरी हो जाएगी एक्स टू, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, तो ये एक्स टू। फिर जो बी और ई है, मैं ये लिखना भूल गया, ये लिख देता हूं, ये हमारा वाई वन है। फिर जब हमारा जो ये बी और ई है, बी ई, ये हम देखते हैं कि ये हमारा हो जाएगा एक्स, सॉरी एक्स टू नहीं वाई टू, बी और ई हमारा हो जाएगा वाई टू, यानी कि ये वाई टू हो जाएगा। अब हम अंततः जब P का निर्देशांक X और Y है, अंततः अंततः जब P के निर्देशांक X कमा Y है तब, जब P के निर्देशांक X और Y है तब हम लिख लेंगे, तब हम देखते हैं जो O से F की दूरी है, O F, वो कितनी हो जाएगी, X O F X, यानी कि यहां से
यहाँ तक की दूरी x हो जाएगी, मैं इसे इधर ले लेता हूँ y डैश, यहाँ से मूल बिंदु से f तक की दूरी x हो जाएगी, फिर जब मूल बिंदु से f तक की दूरी x हो गई तब हम p और f को देखेंगे, जो हमारा pf है तब वो हमारा y हो जाएगा, p और f ये y हो जाएगा, y ये हमारा y हो गया। मैं m को यहाँ से मिटा देता हूँ और इसे यहाँ पे लिख देता हूँ m, तो ये जो दूरी हो जाएगी p से f की वे y हो जाएगी। अब हम देखते हैं इस ग्राफ में जो हमारा pf है ये बराबर है किसके, nf के, यानी कि pf है वो nf के बराबर है, तो बराबर n, सॉरी nf नहीं ne है, जो हमारा pf है वो बराबर है ne के, ठीक है। तो ये हो गया, अब हम क्या करेंगे, जब ये सारे मान निकल गए हैं तब हम देखते हैं कि यहाँ पे आपको दो समकोण त्रिभुज दिख रहे होंगे जिसका ये 90 एंगल 90, मतलब लिखना नहीं है मैं बता रहा हूँ समझने के लिए, ये दो समकोण त्रिभुज हैं। अब हम जब इनकी जो समकोण त्रिभुज निकल गई है तो अब हम इनकी ये बेस और ये लंब ज्ञात कर लेंगे, तो अब इनकी हम बेस और लंब ज्ञात करते हैं, यानी कि एक समकोण त्रिभुज है पी एम ए, दूसरा है बी एन पी, जिधर से आप नाम उसका रख दें करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम देखते हैं, तो जब हम इनकी भुजाएं निकालनी होंगी उससे पहले कुछ और भी देख लेते हैं क्या क्या सिमिलर है। तो हम देखते हैं कि जो ए डी है वो सिमिलर है एम एफ के, तो लिखेंगे अब AD बराबर MF, जब AD बराबर, सॉरी AD नहीं, पहले हम ये नहीं, पहले हम लंब नहीं, पहले आधार निकालते हैं, पहले लंब निकालेंगे, पहले आधार निकालेंगे AM। अब AM बराबर, अब देखते हैं कि जो ये हमारा ये AM है यानी कि ये वो DF के समान है, यानी कि AM DF के बराबर है, बराबर DF, यानी कि ये जो हमारा पहला जो समकोण बन रहा था उसका ये आधार है, इसके आधार को अब ज्ञात कर लेंगे। तो अब हम AM ज्ञात कर लेंगे, यानी कि जो AM है वो DM है, जो AM का मान होगा वही DM का मान होगा। तो AM ज्ञात करने के लिए हम क्या देखते हैं कि जो ये हमारा AM है यानी कि DF, AM बराबर DF, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी मूल बिंदु से एफ तक की दूरी माइनस मूल बिंदु से डी तक की दूरी दी हुई है, यानी कि मैं आपको अलग से समझा रहा हूँ, यहाँ पे ये हमारा मूल बिंदु है, ये हमारा एफ है, ये हमारा डी है, तो हम देखते हैं कि ये रेखाएं हैं सिर्फ यहाँ तक, यहाँ तक, तो हम निकाले तो देखे कि ये हमारी दूरी एक्स वन है ये, और ये हमारी दूरी टोटली यहाँ से यहाँ तक की दूरी एक्स है, ठीक है। तो जब हम डीएफ ज्ञात करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जब हम डीएफ ज्ञात करेंगे तो होगा हमारा ओएफ, यानी कि पूरे में से जितने का मान दिया है ओडी, यानी कि एक्स माइनस एक्स वन हो जाएगा। ऐसे समझ लीजिए, यदि समझ में नहीं आया तो ऐसे समझिए, एक रस्सी है जिसका नाम ओ एफ है, एक रस्सी है जिसका नाम ओ एफ है, और उस रस्सी पे एक बिंदु है जो डी है ये वाला। अब हम देखते हैं कि मान लीजिए जो रस्सी की लंबाई है यानी कि एक्स वो 10 है, रस्सी की लंबाई 10 है, रस्सी की लंबाई 10 है जो कि सेंटीमीटर में है, फिर अब हम देखते हैं कि जो रस्सी पे एक बिंदु डी है, जो पॉइंट डी है उसका रस्सी के शुरुआत से डी तक की दूरी 4 सेंटीमीटर है,
तो अब आपसे पूछे प्रश्न कि जो दूरी नहीं दी गई है यानी कि DF ज्ञात कीजिए। तो अब हम जानते हैं कि जब हम पूरी रस्सी की लंबाई में से जो दी गई लंबाई है उसे घटा लेंगे तो हमारा DF आ जाएगा। सेम बेसिकली मैंने यहाँ पे वही किया है, तो आपको समझ में आ गया। तो अब हम इसे मिटा देते हैं। तो अब ये देखिए जो हमारा यहाँ पे AM यानी कि DF का मान होगा वो हो जाएगा OF, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मूल बिंदु से F तक की दूरी, माइनस मूल बिंदु से D तक की दूरी। तो अब हमारा जब घटा लेंगे तो हमारा DF निकल जाएगा, यानी कि DF हो जाएगा OF का मान x है और OD का मान x1 है। OF का मान x है और OD का मान x1, यानी कि x में से x1 को घटा लेंगे तो हमारा जो AM है वो आ जाएगा जो DF के बराबर है। तो यहां से हमारा AM हो गया x माइनस x1, AM की वैल्यू होगी x माइनस x1। अब हम यहां पे लिख देते हैं अब जब हम AM निकाल लिए, अब हम अपने दूसरे समकोण त्रिभुज चलेंगे यानी कि PNB। तो अब हम इसमें PN निकालेंगे, तो कमा PN इक्वल टू, देखते हैं कि हमारा जो PN है वो FE के बराबर है, बराबर FE। तो जैसे हमने AM निकाला उसी प्रकार हम PN सॉरी FE को भी निकाल लेंगे। तो हम पूरे लंबाई यानी कि मूल बिंदु से O तक की, O से F तक की, E की तक की दूरी, यानी कि मूल बिंदु से E तक की दूरी कितनी है हमारी, X2 है। तो ये हो जाएगा OE माइनस OF, यानी कि मूल बिंदु से तक से F की दूरी OF। जैसे मैंने आपको पहले में समझाया कि पूरी लंबाई माइनस जितनी दी गई है लंबाई वो घटा देंगे तो जो नई दी गई लंबाई होगी वो आ जाएगी, यानी कि O से E तक की लंबाई दी गई है और O से F तक की उसी पर लंबाई भी दी गई है। तो OE में से OF घटा लेंगे तो हमारा FE आ जाएगा। तो ये हो जाएगा X2, OE का वैल्यू X2 और OF का X माइनस X सॉरी X1 नहीं X। तो ये हमारा निकल गया क्या, PN बराबर FE का मान, जो PN है वो बराबर है FE, यानी कि दोनों का मान एक ही होंगे। तो ये हमारा हो गया यहां से यहां तक की दूरी, यानी कि X2 माइनस X, ये हमारा X2 माइनस X1 नहीं X, X2 माइनस X हो गया है। यानी कि हम दोनों जो त्रिभुज थे उनके तो अब हम आधार को निकाल चुके हैं, अब हम उनके लंब निकाल लेंगे, यानी कि PM और PN इनको हम ज्ञात कर लेंगे। तो अब ये हो गया पी एम, पहले पी एम को मैं इसे ब्लैक से लिखता हूं ताकि मालूम चले कि किसको निकालना है। पी एम यानी कि यहां से यहां तक की दूरी पी एम। तो जब हम PM निकालेंगे तो पहले ही हमने किया है कि इसमें इसको निकाला है पहले ही हमने, उसी प्रकार सेम प्रक्रिया इसमें भी है। तो हम देखते हैं कि P और F, PN पहले PN बराबर है किसके, सॉरी PN नहीं PM। तो पहले देखते हैं कि PF P और
एफ पी एफ यानी कि पूरी लंबाई में से पी एफ में से एन और एफ के एम और एफ के वैल्यू को हम घटा लेंगे तो हमारा पी एम निकल जाएगा, यानी कि पूरे में से जितना दिया है उसको घटा लेंगे तो जो नहीं दिया है वो तो निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा वाई, पी एफ की वैल्यू वाई है और माइनस एम एफ जो है वो हमने देखा कि यहाँ पे देखिए लिखा होगा हमने, हाँ एम एफ की वैल्यू वाई वन है, यानी कि एम एफ जो है वो बराबर है ए डी की और ए डी की वैल्यू वाई वन थी इसलिए एम एफ की वैल्यू वाई वन है, वाई वन। तो यहाँ से हमारे पहले जो समकोण त्रिभुज था उसका लंब निकल गया। अब हम अपने दूसरे पर देखेंगे, ये बी एन, बी एन पे तो बी एन पे देखेंगे तो पूरे में से यानी कि बी में से बी ई इस पूरे में से जितना दिया है एन ई उसको घटा लेंगे तो हमारा बी एन निकल जाएगा, यानी कि बी दिया है हमारा वाई टू ठीक है और एन ई, तो एन ई हम देखते हैं यहाँ पे एन ई का मान वाई है, यानी कि जो एन ई था वो पी एफ के बराबर था और जो पी एफ का मान था वो वाई था, इसलिए जब एन ई पी एफ के बराबर है तो जो पी एफ का मान होगा वही एन ई का मान होगा, यानी कि माइनस वाई। अब हम यहाँ से जो दो समकोण त्रिभुज ग्राफ में दिख रहे थे उनके आधार लंब ज्ञात कर लिए हैं। अब हमें जब अब हम चित्र में क्या देखते हैं, आप चित्र में क्या देखने की देखते हैं कि जो ये त्रिभुज है समरूप है इस त्रिभुज से, चित्र से स्पष्ट है, नीचे लिखेंगे चित्र से स्पष्ट है, चित्र से स्पष्ट है कि, चित्र से स्पष्ट है कि त्रिभुज जो त्रिभुज है AMP वो समरूप है। तो चित्र से स्पष्ट है कि जो त्रिभुज AMP है वो समरूप है त्रिभुज PNB के, ये आप चित्र बनाएंगे कॉपी पे तो वो बहुत अच्छे से बनेगा, यहाँ पे चित्र जगह की अभाव है इसलिए चित्र छोटा बनाया ठीक है, नहीं तो मैं भी बोर्ड में भर बोर्ड बना देता। तो ये हो जाएगा त्रिभुज AMP समरूप है त्रिभुज पी एन बी, और जब हम पूरे बोर्ड पे बनाते यानी कि आधे पे बना देते तो आपको और अच्छे से समझ में आता और क्लियर, घर पे बनाइएगा चित्र और देखिएगा ठीक है। तो ए एम पी है वो समरूप है पी एन बी के, यानी कि ये समकोण के समरूप है, समकोण तो लिखा नहीं है लेकिन ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप है। अब हम जब त्रिभुज समरूप होता है तो टेंथ में नहीं पढ़ा होगा हमने कि जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, यानी कि उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो मैं इन्हें मिटा देता हूँ, इसकी ये नोट कर लीजिएगा, इन्हें नोट कर लीजिएगा। ऐसे तो गाइस वीडियो बहुत लंबा होने वाला है लेकिन मैं आपको पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि पूरे क्वेश्चन जो पूरा मैं सॉल्व करना है उसे अच्छे से समझा दूँ कि एक ही बार के देखे में आपको याद हो जाए, तो इसलिए उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होंगी। इसलिए उनकी संगत भुजाएं समानुपाती, तो संगत भुजा का अर्थ आप समझते होंगे यानी कि कण कण के बराबर, लंब लंब के बराबर, आधार आधार के बराबर। तो हम आधार आधार को लेते हैं AM, पहले त्रिभुज का आधार AM है, AM बटे दूसरे त्रिभुज का आधार यानी कि
इसे हम ब्लैक से लिखते हैं, एम बटे दूसरे का आधार पी एन है, पी एन। फिर ये बराबर होगा, अब जब आधार बराबर कर लिया तब लंब बराबर करेंगे, पी एम, पी एम बटे पी बी, पी बी या बी पी कुछ भी लिख दे, दोनों तरफ से लिख दे, बराबर ये हो जाएगा, बराबर होगा अब कोण, कोण हमारा है ए पी, ए पी बटे बी पी, पी बी ए पी, ए एम बटे यहाँ पे सॉरी यहाँ पे बी एन होगा, बी एन होगा यहाँ पे, मैंने गलती कर दिया, क्योंकि जो हमारा ये लंब है वो लंब के बराबर होगा, यानी कि ए एम बराबर पी एम, पी एम बटे बी एन, और जो हमारे ये कर्ण है ए पी बटे बी पी, ए पी बटे बी पी। अब ये हो गया, तो अब हम क्या करेंगे, इनको एक दो तीन समीकरण मान लेंगे, एक दो तीन। अब जब हमने एक दो तीन समीकरण मान लिया, तो अब हम क्या करेंगे, एक बार क्या करेंगे, पहले को समीकरण एक बराबर दो से, समीकरण एक को दो के बराबर कर देंगे। तो जब हम समीकरण एक को दो के बराबर करेंगे, समीकरण एक बराबर तीन, दो नहीं तीन, क्योंकि हम इस भुजा को इससे बराबर करेंगे, पहले को तीसरे से, एक को तीन से बराबर करेंगे, तो लिख लेते हैं, ए एम बटे पी एन बराबर ए पी बटे पी बी। अब हम इनके मानों को यहाँ पे रख देंगे, ठीक है, तो ए एम का मान कितना है, ए एम का मान हमने एक्स माइनस एक्स वन निकाला यहाँ पे, बटे पी एन का मान कितना है, पी एन, पी एन का मान एक्स टू माइनस एक्स है, बराबर एपी का मान कितना है, तो एपी हम देखते हैं कि यहां से एपी है कितना, एम वन, बटे आप देखते हैं कि बीपी, यानी कि ये दिया है मान एम टू, हमारे ये प्रश्न में ये दिया हुआ था, ठीक है, एम टू। अब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, त्रियक गुणा, तब देखते हैं जब इसमें क्रॉस, तो अब हमें इस मान की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं इस मान को मिटा देता हूं, क्योंकि हमारे पास देख रहे हैं कि जगह की बहुत कमी है, तो इसे हम मिटा देते हैं। यहां पे मैं लिख भी देता हूं ताकि जरूरत पड़े तो हम यहां से ले भी लें, एम बराबर, इसको लिख रहा हूं, इसको लिख रहा हूं, लिखिएगा मत, आप सिर्फ इसे ही नोट कीजिएगा, एम बराबर डी एफ, और सिर्फ इसके हम मान को ही लिख दे रहे हैं, जो है एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन है, ठीक है। अब हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसका इसका इससे और इसका इससे, तो इसका इससे कर लेते हैं, तो इससे इसमें करेंगे, तो ये हो जाएगा एम टू एक्स, इससे इसमें एम टू एक्स माइनस, फिर इससे इसमें एम टू एक्स वन। अब जब ये हो गया, तब अब हम इसका इससे, तो इसका इससे करेंगे, तो एम वन एक्स टू माइनस एम वन एक्स, ये हो गया। अब हम देखते हैं कि एम टू एक्स और यहाँ पे भी एक है एम वन एक्स, इसको हम एक तरफ कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से x x हम देखते हैं कि कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ इसको एक तरफ करेंगे, तो ये हो जाएगा एम टू एक्स,
ये बाएं दाएं तरफ प्लस में है, बाएं आएगा तो दाएं तरफ माइनस में है और बाएं आएगा तो प्लस हो जाएगा। जैसे समीकरण हल करते हैं तो ये प्लस हो जाएगा m1x बराबर हो जाएगा, ये है उधर ही रहेगा m1x2 और ये हमारे m2x1 उधर जाएंगे, तो ये माइनस में है इधर, तो इधर जाएंगे तो प्लस में हो जाएंगे m2x1। ठीक है, अब हम इसे यहाँ पे लिखते हैं, शायद नीचे दिख रही होगी, नहीं एक बार मैं चेक कर लेता हूँ नीचे दिख रही है कि नहीं। नीचे आपको नहीं दिख रही है इसलिए मैं थोड़ा नीचे करता हूँ। अब आपको अच्छे से दिख रही है नीचे, तो जब हमने ये सारी प्रक्रिया कर ली तो अब हमने ये निकाला, ये नहीं दिख रही होगी तो अब नोट कर लीजिएगा ठीक है। और यहाँ पर जो था वो भी पता नहीं दिख रहा था कि नहीं, उसको मैंने यहाँ पे लिखा है वो भी नोट कर लीजिएगा। तो अब हम यहाँ से इसमें से हम देखते हैं कि इन दोनों में से एक्स कॉमन ले सकते हैं, तो एक्स कॉमन ले लेंगे तो m2 + m1 हो जाएगा बराबर। अब इन दोनों में हम कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते हैं, देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा m1x2 + m2x1। अब हम इसे यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये एक्स है, एक्स को इधर ही छोड़ देंगे क्योंकि हमें निर्देशांक है। सूत्र हमारा क्या था, सूत्र जो हमारा था वो था px y = m1x2 + m2x1 = m1y2 + m2y1 / 2। हमारा सूत्र ऐसा था, जगह नहीं था इसलिए इसको मैंने ऊपर और नीचे की तरफ लिख दिया है। तो हमें यहाँ से x की वैल्यू प्राप्त होगी, यानी कि इस x को इधर ही रखेंगे, तो इसको इधर ही रखेंगे तो देखिए तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा x बराबर m1x2 + m2x1 / हमारा ये हो जाएगा m1 m2 + m1। अब हम क्या देखते हैं कि इसको हम m1x2 + m2x1 / m1, यहाँ पे m1 + m2 लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों प्लस में है, तो किसी को भी पहले लिखे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो गया, यानी कि हमारा ये हो गया, यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे m1 + m2 है और यहाँ पे भी m1 + m2 है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि जो पहला भाग है यानी कि ये x की जो ये वैल्यू है m1x2 + m2x1 / m1 + m2 ये सीध हो गई। अब हमें y के मान को निकालना है, y के, तो y के जब मान को निकालेंगे तो अब हमें ये x का मान निकल गया, हमें अब हम समीकरण जो हमारा 2 और 3 को बराबर करेंगे, तो हमारे पास उतनी जगह नहीं है इसलिए मैं 2 और 3 को बराबर इसको मिटा देता हूँ, नोट कर लीजिएगा, उतनी जगह हमारे पास पर्याप्त जगह नहीं है, जो हमारा बोर्ड है वो छोटा सा है। तो अब 2 = 3 से 2 और 3 को अब हम बराबर कर देंगे, यानी कि pm/bn बराबर ap/pb, इसको मिटा देता हूँ, इसको आप नोट कर लीजिएगा, ये सारे को स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में नोट कर लीजिएगा या अभी नोट कर लीजिए, मतलब कभी भी अपने बुक कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा। तो हमें सिर्फ x के वैल्यू की आवश्यकता है, तो मैं इसे मिटा देता हूँ,
इसे भी मिटा देता हूँ, सिर्फ अपने x के वैल्यू को ही छोड़ देता हूँ जिसकी हमें आवश्यकता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि pm, pm की वैल्यू y माइनस वाई वन है, वैल्यू रखते जाएंगे जैसे हमने पहले में रखा y माइनस वाई वन। यदि वैल्यू थोड़ा सा भी गड़बड़ होगा तो पूरा जो आपका निकालेंगे वो पूरा गलत होगा। y माइनस वाई वन बटे बी एन वाई टू माइनस वाई बराबर, ए पी का मान तो हम जानते हैं एम वन है और बी पी का मान एम टू है। अब इसमें भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि पहले से ऊपर वाले से नीचे वाले में, तो एम टू वाई माइनस एम टू वाई वन ये बराबर हो जाएगा, इसमें अब एम वन वाई टू माइनस एम वन वाई ये इसके बराबर होगा। अब हम देखते हैं कि वाई इधर वाई एम टू वाई है और इधर एम वन वाई है, इनको एक तरफ ले लेंगे ताकि इनमें से वाई कॉमन हो जाए, तो ये हो जाएगा एम टू वाई, इधर माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में होगा, तो प्लस एम वन वाई। ठीक है, बराबर अब ये हमारा हो जाएगा एम वन वाई टू बराबर के उधर ही जाएगा, और ये जाएगा जब उधर तो प्लस में हो जाएगा एम टू वाई वन। ठीक है, अब हम जब इसे हल करेंगे तो यहाँ से y कॉमन ले लेंगे m2 टू प्लस एम वन, और इधर वैसे ही रह जाएगा m1 y2 वाई टू प्लस एम टू वाई वन। अब हम यहाँ से y की वैल्यू को ज्ञात कर लेंगे, तो हमारा y का जो वैल्यू होगा, तो जब हम यहाँ से अपने y के वैल्यू को निकालेंगे तो हमारा y बराबर क्या हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1, m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m2 प्लस m1। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, y वाले को यहाँ पे लिखता हूँ, y इज इक्वल टू एम वन वाई टू प्लस एम टू वाई वन बटे एम वन प्लस एम टू। जैसे मैंने पहले में लिखा कि नीचे दोनों में प्लस है, या तो किसी को पहले लिखे या किसी को बाद में लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा मान में। तो यहाँ से हमारे x और y के मान निकल गए, यानी कि हमारा अब सूत्र कंप्लीट ही होने वाला है। इसे मिटा देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, कृपया नोट कर लीजिए, मैंने जल्दी मिटा दिया, बैक करके नोट कर लीजिएगा प्लीज़, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं इसे मिटा देता हूँ, अब देखिए हमारे प्रश्न में पूछ रहा था कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी कि जब भी हम सूत्र सिद्ध करेंगे तो कुछ ना कुछ दिया ही जरूर होगा। तो कह रहा था कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड ए बी को दो अनुपात एम वन एम टू में विभाजित करती है, तो उसके निर्देशांक ज्ञात करने थे और हमने उस बिंदु को पी माना था, तो लिखेंगे चूंकि बिंदु पी के निर्देशांक इक्वल टू एक्स कमा वाई, यानी कि जो पी के निर्देशांक है यहाँ पे देख सकते हैं वो एक्स है और वाई है। अब हम यहाँ से एक्स और वाई के मान को रख देंगे, तो एक्स का मान है हमारा एम वन एक्स टू प्लस एम टू एक्स वन बटे एम वन प्लस एम टू, ये हमारे x का मान है। फिर हमारे y का मान है
M1y2 प्लस M2y1 बटे M1 प्लस M2, ये हमारे y का मान है। तो हमें जो सूत्र जो हमारा जो था विभाजन सूत्र जिसे हमें सिद्ध करना था वो था क्या, P x y इज्कल टू यानी कि बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2, फिर कमा M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2, यही था। तो लिखेंगे अतः विभाजन सूत्र, अतः विभाजन सूत्र P x y इज्कल टू M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2, इसकी आवश्यकता नहीं है। यानी कमा फिर y M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2, जो हमारा विभाजन सूत्र होता है। यानी कि हमें यही सिद्ध करना था कि P के निर्देशांक कितने और कितने, यानी कि यहाँ से x का मान ये है, y का मान ये है, यही हमारा विभाजन सूत्र होता है। ठीक है, तो मैंने आपको वीडियो में पूरे जो दिए हुए हैं इसको सब लिख लीजिएगा, सारे कुछ समझाने का बहुत ही प्रयास किया है। यदि आपको जहाँ कहीं भी थोड़ा डाउट होगा तो वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा, ठीक है, आपके डाउट पूरे क्लियर हो जाएंगे। तो मैंने आपको ये विभाजन सूत्र बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की प्रयास किया है कि आपको एक ही बार वीडियो देखने में पूरा विभाजन सूत्र याद हो जाए। तो मेरे द्वारा यदि विभाजन सूत्र बताए गए जो तरीका है वो अच्छा लगा हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा तथा कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए वीडियो बहुत ही मेहनत करके बनाता हूँ, सब सब मेहनत करके बनाते हैं और उसमें मैं भी मेहनत करके बनाता हूँ। तो नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए।